ज़मीर को ज़िंदा रखें, मरने न दें और ज़मीर की अदालत में जाते रहा करें। वहाँ फैसले हमेशा सच्चे हुआ करते हैं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो किस्मत ही बदल देते हैं। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है साहिब, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करें। अगर इंसानियत जिंदा है तो रिश्ते नाते ताल्लुकात सब बाकी हैं, और अगर इंसानियत ही मर जाए इंसान अपना सब कुछ खो देता है। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो देख लीजिए खराबी कहीं आप ही के अंदर ना हो। उन लोगों के साथ मिलने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है जिनके अल्फाज उनके किरदार के मुताबिक ना हों। सामने तो कुछ बोलते हों और पीछे कुछ बोलते हों, जो दोहरी जबान इख्तियार करने वाले हों, ऐसे लोगों से बचना निहायत ही ज़रूरी है। बेहिसाब हसरतें न पालो साहिब, जो मिला है पहले उसे संभाल लो। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी गंवा बैठें। किसी भी बड़े दुर्वेश से ज़्यादा ताकतवर दुआ आपके माँ बाप की है। हम उनको नज़रअंदाज करके किसी पीर बाबा, किसी सरकार, किसी हजरत, किसी मखदूम को तलाश करते हैं, और तलाश करते करते सारी ज़िंदगी गारत कर देते हैं। लेकिन जब आपको तकलीफ पहुंचती है तो सबसे पहले माँ बाप आपके लिए तड़प उठते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, आपकी ज़िंदगी को वापस लाने की अल्लाह से गुहार लगाते हैं। इसलिए माँ बाप अगर हैं तो उनकी खिदमत को ज़रूरी समझें। जुमला तो बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है साहिब। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह अपनी तरफ बुला ले।